आपको बता देंगे बहुत ही कन्फ्यूजन पैदा हो रही है सर पूरे पाकिस्तान में, बिकॉज के प्राइवेट जो स्कूल्स हैं फेडरेशन उनके जो मिनिस्टर उन्होंने ऐलान कर दिए कि हम 15 अगस्त से स्कूल खोल देंगे, जो मर्ज़ी हो जाए, बेशक हुकूमत हमें इजाज़त ना दे, हम जो है वो तहरीक करेंगे, हम जो एहतजाज करेंगे, लेकिन हम स्कूल खोलेंगे 15 अगस्त से जो मर्ज़ी हो जाए, बिकॉज कोविड जो है वो बहुत ही कम हो चुका है। इस बिना पर जो है वो डॉक्टर मुराद दास एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका भी रद्द अमल आया है, उन्होंने जो है वो इस्तीफ़ा मांग लिया है फेडरेशन के जो मतलब के मिनिस्टर से। अगर आपको दिखा दें कि जो आज कॉन्फ्रेंस भी हुई है मुराद दास की, उन्होंने कहा है कि ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के वज़ीर तालीम पंजाब ने जो है इस्तीफ़ा मांग लिया, उन्होंने कहा कि आप इस्तीफ़ा देते हैं, पहले आप न्यूज़ दिखाते हैं जिसमें ये फैसला हुआ है कि क्या होगा, देखें। ऑनलाइन तालीम और तालीम घर टीवी फ्लॉप ड्रामास हैं, हुकूमत 15 अगस्त से स्कूल खोलने का ऐलान करे वरना खुद स्कूल खोल देंगे। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन की धमकी, फेडरेशन के सदर काशिफ मिर्ज़ा ने कहा कि स्कूल्स खोलने वाले इदारों को कानूनी तहफ़ देने के लिए लीगल सेल भी कायम कर दिया, रुकावटों की सूरत में लॉन्ग मार्च किया जाएगा। बोर्ड इम्तहानात मनसूख होने पर 45 लाख तलबा से वसूल किए गए 25 अरब रुपये भी वापस किए जाए। कराची की प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का 15 अगस्त से स्कूल खोलने का फैसला। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के सदर काशिफ मिर्ज़ा ने कहा है कि हुकूमत ने 15 सितंबर की बात की है, हम दरख्वास्त करते हैं कि 15 अगस्त से स्कूल्स खोले जाएं, जहां केसेस ज़्यादा हैं हम तावुन करेंगे, पहले सीनियर क्लासेस खोल दें ताकि गैर यकीनी ख़त्म हो जाए। सितंबर की गवर्नमेंट ने बात की है, हम दरख्वास्त करते हैं कि इसको 15 अगस्त के साथ खुला जाए। हमने ऐलान किया 15 अगस्त इंशाल्लाह हमने तालीमी इदारे खोलने, उसमें एक बड़ा पॉइंट ये भी है कि हमने भी ना ये कहा है कि जहां आपको ये लगेगा हम कि यहां पे केसेस ज्यादा हम आपसे तावुन करेंगे, हम वहां पे नहीं खोलेंगे, आप जो कहेंगे उसके मुताबिक करेंगे। जहां कोविड के कोई इतने बड़े संगीन वाकयात केसेस नहीं आए उनको आप फेज वाइज खोल दें, आप 9-10 जैसी क्लासेस जो सीनियर क्लासेस हैं जिनको ज्यादा जरूरत है आप पहले उनको खोल दें, ताकि एक अनसर्टेनिटी जो हम कि आप देख चुके हैं कि गवर्नमेंट ने जो है ऐलान किया कि अब हम स्कूल जो है 15 सितंबर से खोलेंगे, तमाम एजुकेशन इदारे 15 सितंबर से खोलेंगे, लेकिन जो है वो स्कूल मालकान ने 15 अगस्त से खोलने की तारीख दी। आपके सामने जो है आज की जो है वो अनाउंसमेंट डॉक्टर मुराद दास ने अपने की है कि तमाम फेक न्यूज़ है, कोई स्कूल कोई यूनिवर्सिटीज़ कोई कॉलेज जो है वो 15 अगस्त नहीं खुल रहे, 15 अगस्त ना ही 15 सितंबर से पहले कोई चीज़ खुल रही है, 15 सितंबर भी एक टेंटेटिव डेट है, डेट डिले भी हो सकती है। ये आज के वो पॉइंट्स हैं जो कि आज की कॉन्फ्रेंस में जो है वो सारे डील हुए हैं, डॉक्टर मुराद हसन ने सारे जो है अपने पॉइंट्स अपने जो है वो पेज पे जो है वो डाल दिए कि आज जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हुई उनके क्या पॉइंट्स आए, उसमें यही आया कि हुकूमत हालात ठीक हुई तो 15 सितंबर से स्कूल खोल देगी, हालात नहीं हुई तो 15 सितंबर से आगे भी जा सकते हैं, मतलब कि स्कूल नहीं भी खुल सकते। 15 अगस्त अभी तक कोई डेट नहीं है, हुकूमत ने बिल्कुल ना नहीं दिया कि 15 अगस्त से स्कूल खोल देंगे, तमाम जो है खबरें उन्होंने कहा जी फेक हैं, उन्होंने कहा है कि जो एजुकेशन जो प्राइवेट स्कूल एजुकेशन के मिनिस्टर हैं उनसे इस्तीफ़ा भी मांग लिया, उन्होंने कहा है कि आप जो है वो गलत बात ना करें, हम जो है वो स्कूल 15 सितंबर से जो है वो पहले नहीं खोल सकते, आप डेट दे रहे हैं वो बिल्कुल ही फेक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।